भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी प्रीति जैन ने आज चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। आइए जानते हैं कि श्रीमती जैन की चित्तौड़गढ़ जिले में क्या क्या रहेंगी प्राथमिकताएं। उससे सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से बहुत आवश्यकता है कि हम पब्लिक के साथ अच्छा समन्वय बना करके पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा संवाद और सामंजस्य हो, ताकि जिले में एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बने रहे। और कुछ बेल्ट इस एरिया में है जिनमें त्वरित रूप से पुलिस की उपस्थिति कार्रवाई जरूरत पड़ने पर आवश्यक होती है, तो हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारी त्वरित एक्शन हो और कोई भी इस प्रकार की घटनाएं भी होती है तो हम उसको टाल सकें। ये क्षेत्र जैसे सभी जानते हैं NDPS ड्रग्स अफीम डोडा चूरा और इसकी तस्करी के लिए विख्यात रहा है, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो बड़े तस्कर हैं या रूट के रूप में ये जो यूज हो रहा है मध्य प्रदेश से और यहाँ आमद हो रही है, उसको हम प्रभावी रूप से उसके उस पर लगाम लगाने की कार्रवाई कर सके। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज जो NDPS के साथ साथ हथियारों की तस्करी के रूप में मुझे अभी बताया गया कि इस एरिया में काफी इस तरह की गतिविधियां भी होती रही हैं, तो उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि हम सख्त कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ये चित्तौड़ की नगरी जो है यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी प्रसिद्ध जगह है, तो काफी बाहर के लोगों का आवागमन रहता है। तो किसी ने ये भी बताया कि लपकागिरी वगैरह इस तरह की जब टूरिज्म अपने पूरी तरह से हो तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती है, तो प्रयास करेंगे कि पुलिस का रिस्पॉन्स उसमें बेहतर रहे। और इसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटलाइजिंग ग्रुप्स हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखी हैं, इनके माध्यम से पब्लिक के साथ हमारा बेहतर संवाद हो, हमारे बीच अच्छा सामंजस्य हो और हम लोगों के बीच एक विश्वास की भावना पैदा कर पाए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध इन दोनों हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर पाए और बेहतर संवाद के माध्यम से लोगों को सुरक्षित महसूस हो, पुलिस के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो, इसके लिए पूरा प्रयास करें। ज्वाइन करने से पहले बड़ी चुनौतियां, जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बाना है, इस तरह की घटनाएं आप सही कह रहे हैं कि होती है और बहुत ही दुखद है कि कोई ऐसी घटना होती है, तो पुलिस के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इमीडिएट तौर पे इसमें एक्शन लें। तो जो भी वर्तमान में पुलिस ने चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस के सहयोग से लिया, इमीडिएट FIR लॉन्च की गई, उसमें जिन लोगों को, क्योंकि बालिका पूरी तरह से बताने में सक्षम नहीं थी, फिर भी पुलिस ने पूरे प्रयास किए हैं और जो आसूचना और मुखबिरी इकट्ठी की है उसके हिसाब से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर सकें। तो त्वरित कार्रवाई और साथ ही साथ यदि घटना हो जाती है तो त्वरित कार्रवाई हो और घटना ना हो इसके लिए महिलाओं बच्चियों को जागरूक करना, कानून की जानकारी देना, इस प्रकार के अपराध हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको प्रेरित करना और साथ ही युवाओं को भी जागरूक करना कि इस तरह के अपराधों में संलिप्त होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करें।